हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं हल्दी का सेकेंड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट में मटकोर, हल्दी और चुमाउन वाली रस्म थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो तुरंत जाके देखिए, काफ़ी फन मस्ती हम लोगों ने किया है। उसके बाद फिर सेकेंड पार्ट में आते हैं तो छत पर हम लोग आ जाते हैं, जहाँ पर ये पूरा टेंट वगैरह लगा था हल्दी के लिए। तो यहाँ पर फ़ोटोशूट होता है सबका। तो ये है बड़ी वाली नंद, चाचा जी की बेटी, तो इनकी पूरी फैमिली है। उसके बाद ये लोग हैं देवर लोग, साथ में यश, लव और ये नंद के बेटे। तो ये लोग यहीं पे दिखते हैं, बच्चे लोग, बाकी कहीं नहीं दिख रहे हैं। खेलने में इतने बिजी थे कि कहीं फ़ोटो वीडियो नहीं है। यहाँ पे ये थोड़ा सा आ गया है। उसके बाद ये भाई लोग देखिए, पानी को दू गौरी खींचवा लो। फ्रेंड्स, अभी पहले जो फोटो शूट हुआ है वो मेरे देवर, मेरी बहन का है, और अपने मन से ही चार पांच पोछ खिंचवा के गए हैं वो, इसलिए कि ताकि उनको काम में कोई डिस्टर्ब ना करे। उनको फ़ोटो खिंचवाने का उतना शौक़ नहीं है, और बहन बोलती है कि आप फ़ोटो नहीं खिंचवाते, इसलिए बोल रहे हैं कि इकट्ठे जितना खिंचवाना हो खिंचवा लो, मैं दोबारा नहीं आऊँगा। इसीलिए इधर से उधर से आ और पीछे जा के इस तरह से कई पोछ उन्होंने खिंचवा लिया है। और अभी देखिए, ये हैं बड़ी मम्मी, दोनों लोग बड़ी मम्मी हैं। तो एक एक करके सब लोग आएंगे, मैं यहाँ पे आप लोग को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, यहाँ अच्छे से इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अभी यहाँ पे मेरी मम्मी हैं, मम्मी जी हैं, और बीच में जो है मेरी बहन की सासू माँ हैं, ये है दादी जी, और साइड में जो खड़ी हैं बुआ जी हैं। और उसके बाद बारी आती है हम लोगों की, तो हम लोग देखिए यहाँ पर आ चुके हैं। मैं यहाँ पर बच्चों को बुला रही हूँ, तो श्रेया तो आ जाती है, बटलाव नहीं आता, वो खेलने के चक्कर में है। और यहाँ पर हम लोग की वीडियो तो हो जाती है, मैंने श्रेया को दिया था, पर फोटो नहीं हो पाता है। मैं सबकी फ़ोटो वीडियो बनाती हूँ, पर हमारी जो बारी आती है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो यहाँ पे श्रेया आ गई है, फिर हम लोग का भी यहाँ पे फ़ोटो वगैरह हो जाता है। ये फिर दूसरा पोज, और सब लोग येलो येलो पहने, काफ़ी सब लोग क्यूट क्यूट से लग रहे हैं, प्यारे प्यारे से, बच्चे से लेकर बड़े तक सब लोग वैसे हैं। और यहाँ पर ये मिली ही है मौसी, जो लोग दोनों साइड में जो खड़ी हैं, ये दोनों ट्विंस हैं, पीछे एक मौसी जी हैं, तो ये मौसी लोग एक साथ आ गई हैं। और ये लोग एक साथ आने में बहुत शर्माती हैं। यहाँ पे देखिए तीनों समधन, मेरी मम्मी बड़ी। यस, माय फेवरेट लड्डू पीला कलर, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फ्रेंड्स, हल्दी का फोटोग्राफी बहुत देर तक चला था, बट मेरे पास इतना ही था तो मैंने डाल दिया है, सबका नहीं हो पाया है। और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ वीडियोस वगैरह ये बनवाए हैं, तो दो तीन राउंड करते करते ये वाला फाइनल हो पाया था। उसके बाद फिर मैं नीचे आती हूँ, क्योंकि आज ही मेहंदी भी है, तो मेहंदी उधर लगने लगी, सब लोग रेडी हो गए हैं, बट मैं अभी तक रेडी नहीं हो पाई हूँ। रूम देखिए कितना मेसी हुआ है, और मैंने अभी कपड़े भी नहीं चेंज किए मेहंदी वाले। और अभी मैं भी दिखा देती हूँ, टेंट लगना शुरू हो गया है। यहाँ पर ये देखिए टेंट लग रहा है, बट थोड़ी ही देर बाद करीब 8:30-9 बजे तक बारिश हो गई थी, तो सारा हम लोग का मेहंदी का फंक्शन बर्बाद हो गया था। जो हमने सोचा था वो नहीं हो पाया था। तो ये देखिए टेंट लगा रहे हैं लोग, और उसके बाद अब मेहंदी की शुरुआत हो जाती है। तो अभी मैं आती हूँ ऊपर, ये देखिए मेहंदी, हल्दी वाला जो बोर्ड था उसको हटा के मेहंदी वाला लगाते हैं। और यहाँ पर देखिए मेहंदी लगना शुरू हो गया है, और सब लोग बैठे हुए मेहंदी लगवाने के लिए। बस मेहंदी लगा के हम लोग ने सोचा कि चलो खाना वगैरह खा के खूब रात भर संगीत होगा, डांस होगा, बट बारिश ने सब खराब कर दिया। और मेहंदी बहुत ही प्यारा सा लगा था। ये मेरी सिस्टर है, बड़े पापा की बेटी, बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है। ये मौसी लोग हैं, मौसी हैं, और ये भी एक मौसी हैं। तो ये देखिए सबकी मेहंदी लग रही है। हम लोगों ने तो एक दिन पहले ही एक एक हाथ में लगवा लिया था कि मेहंदी वाले दिन सब लोग आएंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो पाएगी, तो एक एक हाथ ही बचा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये मम्मी जी को लगा रही है मेरी सिस्टर, सास बहू अपना यहाँ मेहंदी में लगी हुई हैं, तो सब लोग बैठ कर लगवा रहे हैं। और मम्मी जी, बुआ, दादी को हम लोगों ने एक दिन पहले ही लगा दिया था। और यहाँ पे फिर मैं भी आ जाती हूँ कपड़े वगैरह चेंज करके जल्दी से। सब लोग बोल रहे थे कि तुम भी चेंज कर लो, बट क्या करें, हम लोग जो हैं घर की बहू, इस सब तैयारी के साथ साथ काम भी रहता है, तो ये करो वो करो इधर करते करते फिर मैं आती हूँ लास्ट में। तो मैं भी यहाँ बैठ गई हूँ, देख रही हूँ, और
उसके बाद मेरा भी एक हाथ अभी बाकी है, एक पे तो मैंने एक दिन पहले ही लगवा लिया था। तो ये काम बड़ा अच्छा हो गया था हम लोगों का, कि जो नए लोग आए हैं उन लोग का लग रहा है, हम लोग का एक एक हाथ सबका लगा हुआ। मम्मी जी लोगों का तो दोनों हाथ हम लोगों ने लगा दिया था कि वो लोग फ्री रहेंगी। उसके बाद ये देखिए मेरा जो एक हाथ बाकी है, मेरी सिस्टर लगा रही है, वो बोल रही थी कि लाओ मैं लगा देती हूँ, मैं फ्री हूँ। बाकी सब लोग एक दूसरे का लगा रहे हैं, जो लोग भी लगाने वाले हैं, तो मैं भी लगा के यहाँ से फ्री हो जाऊँगी। फिर सबको खाना वगैरह खिलाने के बाद हम लोग सोचे बहुत डांस करेंगे, लेकिन ये सब नहीं पॉसिबल हो पाया। बारिश की वजह से सब धरा का धरा रह गया, बस मेहंदी वगैरह ही लगी है, डांस थोड़ा भी नहीं हो पाया। थोड़ा सा श्रेया ने ही किया था, आपको तो कुछ करना नहीं है। यहाँ पे डांस श्रेया ने बहुत ज़्यादा किया था, उसकी वीडियो भी नहीं हो पाई थी। हम लोगों ने सोचा था कि चलो रात में करेंगे, सारा म्यूजिक सिस्टम का उन्होंने बंदोबस्त किया था, बट सब धरा का धरा रह गया, बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। और यहाँ पे देखिए कोई लग रहा है कि बहुत सीरियस गुफ्तगू हो रही है, मुझे भी याद नहीं है कि क्या हो रहा है। ये देखिए सब लोग कितने ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ तो है। तो यहाँ पे जब हो जाता है तो फ्रेंड्स हम लोगों ने जो सोचा था कि काफ़ी इन्जॉय करेंगे और मस्ती करेंगे, और सब जितने भी डांस करने वाले लोग हैं सबको हमने बोल दिया था कि आज डांस करना है, बट कुछ भी नहीं हो पाया था। बारिश से शादी के दिन तक 3 बजे तक बारिश हुई है। शादी के दिन भी जो डेकोरेशन करना था, मतलब जिस तरह से टेंट का, वो नहीं हो पाया था, आधा अधूरा ही हुआ था, क्योंकि बारिश में उनकी कुछ लाइट्स थी वो लगाते तो पानी से ख़राब हो जाता, उन्होंने लगाया ही नहीं। तो इस तरह से बारिश से बहुत कुछ मतलब नुकसान हो गया। और यहाँ पर देखिए काफ़ी मस्ती भी हम लोग किए थे, यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग, मेहंदी का आनंद ले रहे हैं, मेहंदी लगाने का। इधर हम लोग अपना काम करें, मेहंदी लगा रहे हैं, इधर टेंट वाले भैया लोग भी अपना काम करें। तो मैंने अभी एक साइड का आप लोगों को दिखाया था, दूसरे साइड का है, इस तरह से लग रहा है, जिधर की नाश्ते वास्ते की व्यवस्था रहेगी और खाना का व्यवस्था कहीं और है। 3-4 जगह टेंट पड़े हुए हैं, बारात कहीं और रहेगी, खाने का व्यवस्था है, यहाँ दरवाजे पर जयमाल और नाश्ते का रहेगा। ये देखिए सब लोग बैठ के कुछ करीब आधा घंटा, उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है और सब लोग चले जाते हैं। उसके बाद बहुत देर तक बारिश होती है, पूरा टेंट का ये जो मैट वगैरह सब गीला हो गया था। फिर हम लोग सोचे थे कि इसके बाद रात में सब ये करेंगे, तो नहीं हो पाता है। फिर मेहंदी लग गई है तो मेहंदी की भी फ़ोटो वीडियो नहीं हो पाती है। लास्ट में मैंने एक क्लिप ये बनाया है, काफ़ी खूबसूरत मेहंदी लगी थी। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो, और मैं श्रेया का डांस ऐड कर दे रही हूँ, म्यूज़िक को म्यूट कर दूँगी क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।